हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मनभावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन में जब रोज रोज वही खीर पूरी साबूदाने ऐसी चीजें खा के हो गए हूँ बोर, तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चटपटे दही आलू चाट, जो मात्र 5 मिनट में बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। दही आलू चाट बनाने के लिए यहाँ पे हम बड़े वाले चम्मच से 3 चम्मच गाढ़ी वाली दही ले रहे हैं। आप जब भी आलू चाट के लिए दही ले तो गाढ़ी वाली दही ले, पतली वाली दही लेंगे तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच ले रहे हैं। और एक बात का और ध्यान रखें कि दही न ज्यादा खट्टी होनी चाहिए न मीठी वाली लें, बिल्कुल नॉर्मल दही हमें लेनी है। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हम ले लें। अब इसे चम्मच से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसे नहीं फेंटना है, बस हल्का सा इसे हम फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम दही को फेंट के तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा इसे नहीं फेंटे हैं, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब यहाँ पे 2 बड़े साइज के हम आलू लिए हैं उबले वाले। अब इसे हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम आलू को काट के तैयार कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब जो दही को फेंट के हम रखे थे उसमें उबले कटे हुए आलू को इस तरह से डाल देंगे। तो सारे आलू को हम इस तरह से डाल देते हैं। आलू को डालने के बाद हम दही में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसे, जिससे आलू और दही आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आलू और दही को हमने सारा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दही आलू चाट को चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे भुना जीरा पाउडर 2 चम्मच हम डाल रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इस चाट का। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप इसकी जगह हरी मिर्च को भी बारीक काट के 1 से 2 डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम सूखी लाल मिर्च क्रश किया हुआ डाल रहे हैं, इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और देखने में भी ये चाट बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ स्वादानुसार सेंधा नमक डालेंगे और बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। डाल के बढ़िया से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। ये चाट बिना घी तेल के बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आपस में सारी चीजों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया और ये हमारा झटपट बनने वाला दही आलू चाट बनके तैयार है। तो इसे अब हम एक सर्विंग प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं अपने चाट को। तो हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम जो क्रश किया हुआ लाल मिर्च था उसे भी कर देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से डाल लेंगे और थोड़े से हम अनार के दाने डालेंगे। तो ये देखिए कितने कलरफुल और टेस्टी चाट हमारा मिनटों में बनके तैयार हो गया। अब इसे हम फटाफट इंजॉय करेंगे। ये चाट बहुत ही टेस्टी बना है, इसे देख के तो रहा ही नहीं जा रहा है। अगर इस नवरात्रि इस चाट की रेसिपी को आप ट्राई करते हैं और अगर ये चाट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम मिलते हैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेके अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।